अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिद्दीनिल अक़वाम والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم مسلمان ہیں حق بات بتا دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں حق بات بتا دیتے ہیں اور ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں اور ہم کو آتی نہیں اس ملک سے غداری ہم کو آتی نہیں کرنا اس ملک سے غداری ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں اور کسی شاعر نے آگے کہا ہے جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا سر کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا سر کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا اور کس کی ہمت تھی کہ اٹھاتا بابری مسجد پر انگلی کس کی ہمت تھی کہ اٹھاتا بابری مسجد پر انگلی اگر آج ہر سنی مسلمان نمازی ہوتا اگر آج ہر سنی مسلمان نمازی ہوتا اور یہ ضروری نہیں کہ ہر تیر نشاں تک پہنچے یہ ضروری نہیں کہ ہر تیر نشاں تک پہنچے حق ہو آواز تو پہنچا دو جہاں تک پہنچے حق ہو آواز تو پہنچا دو جہاں تک پہنچے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی عجلت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ملک کے احوال سے آپ حضرات اچھی طرح باخبر ہیں کہ ہر ضلع میں ہر شہر میں ہر قصبے میں بھگوا آتنک وادی اپنا آتنک پھیلائے ہوئے ہیں کسی شہر کے اندر مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے ان کی مساجد کی جگہوں پر قبضہ کر کے اس جگہ کو غیر قانونی بتایا جا رہا ہے راستے میں نماز پڑھنے پر روک لگائی جا رہی ہے
पहले मसाजिद की जगहों को कब्जा किया, उसको गैर कानूनी करार दिया, बाद में रोड पर नमाज पढ़ने से मना किया गया, और कहीं भगवा आतंकवादी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, कई मुसलमानों को कत्ल और उनकी खूनरेजी करने की बात कर रहे हैं, और ये दायरा वसी तर वसी होता जा रहा है, यहाँ तक के कभी किसी शहर के अंदर ये आतंकवाद किसी नाम से उठता है, तो कहीं ये आतंकवादी मुसलमान लड़कियों पर बुर्का पहनने पर, उनके नकाब पहनने पर पाबंदी लगाते हुए नज़र आते हैं। हजरात, मैं मुसलमानों से ख़िताब कर रहा हूँ, किसी कुफार या मुशरिकीन से ख़िताब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि काफिर का काम होता है मुसलमानों की मुखालिफत करना, और मुनाफिक का काम होता है कि इधर के उधर बात लगाना और दोनों में आपस में लड़ाई और झगड़ा कराना। हजरात मोहतरम, अब मुसलमानों का काम क्या है, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या है? मुझे कुफार और मुशरिकीन से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए अगर वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कि कुफार का हमेशा से हजरत आदम अली सलातो वसलाम से लेकर आज तक ये तरीका रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। हजरत मोहतरम, हजरत इब्राहिम अली सलातो वसलाम के साथ खिलाफ वर्जी की गई और आपके खिलाफ साजिशें रची गई, हुजूर अली सलातो वसलाम के खिलाफ साजिशें रची गई, यानी इन लोगों का काम है मुसलमानों के खिलाफ जाना। अब मुसलमानों का काम क्या है? मुसलमानों का काम यह है कि उनका यह इम्तिहान है, इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान होना। अगर मुसलमान इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान होना चाहता है तो उसको कामयाबी किस तरह से मिलेगी? हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं मुसलमानों से खिताब कर रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मुसलमानों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आज देखा जा रहा है, कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि लोग जो है, जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज के अंदर नकाब पहन करके जाती हैं, भगवा आतंकवादी उन पर हमले कर रहे हैं और भगवा आतंकवादी उनको जो है बुर्का पहनने से मना कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कोर्ट और कचहरी जाना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोर्ट या कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पर भी RSS के लोग बैठे हुए हैं। आपने बाबरी मस्जिद के फैसले को देखा, किस तरह का फैसला था? अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उस ने इस तरह का फैसला दिया कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया उसको गिराया, ये काम गलत था। लेकिन गलत तो था, लेकिन क्या करें, हमारे लोग हैं, चलो जगह इन्हीं को दे देते हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है। तो आपको क्या करना है? आज बुरके पर पाबंदी लगाई जा रही है, और ये मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं, हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे दीन की तबलीग की भी हमें इजाज़त देता है कि हम अपने दीन को आगे पहुंचाएं, दीन को आगे बढ़ाएं, और हमारा धर्म हमें ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएं। लेकिन हमारा धर्म ये भी इजाज़त नहीं देता है कि कोई बिला वजह हमको परेशान करे। हज़रात मोहतरम, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब कुफार और मुशरिकीन हमको परेशान कर रहे हैं, गोया वो अपना काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस चीज़ की वो मुखालिफत करते हैं, और हमको मालूम होना चाहिए कि वो शरीयत के दायरे में है, शरीयत के अंदर है, शरीयत का हुक्म क्या है। अब आप पर्दे को ले लीजिए, पर्दा जो है वो शरीयत में फ़र्ज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनाती का व निसाइल मोमिनीन, ए महबूबे पाक, ए अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो पर्दा करें, अपने चेहरे को ढांपे रखें। और आगे इरशाद फरमाया, ज़ालिका अदना युरफना फला युज़ैन, और ये इससे करीब तर है कि वो पहचानी जाएं तो उनको तकलीफ दी जाए। وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफिरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो इस आयत से ये साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि अपनी बीबियों को भी पर्दा करने का हुक्म दो, बेटियों को भी हुक्म दो, और मुसलमान औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म दो, चेहरा ढकने का हुक्म दो। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया,
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مسلمان عورتیں اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈالے رہیں، چادر ڈالے رہیں۔ اور یہ بہت لمبی آیت پاک ہے، وقت دامنگیر ہے، اسی میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار نہ کریں مگر اتنا کہ جتنا ظاہر ہے، اور اگر بناؤ سنگار کرنا ہے تو اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے محرم کے سامنے کر سکتی ہیں اختصار میں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ پردہ فرض ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے تو ہم وہاں پر روکنے کی وجہ سے نہ تو ہم پڑھائی سے رکیں گے اور نہ ہی ہم پردہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ پردے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے اور ہمارے سمویدھان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنے دھرم پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارا سمویدھان اور ہمارا اسلام تعلیم دینے سے بھی نہیں روکتا ہے، اس لیے ہم دونوں چیزوں سے نہیں رکیں گے۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ پردے کو ہٹا کر کے یا فلاں طرح کے یونیفارم میں پڑھنے کے لیے آنا ہوگا تو مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں اگر کسی اسکول یا کالج کے اندر اس طرح کا یونیفارم دیا جاتا ہے یا اس طرح کی کسی ڈریس کو ایجاد کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ستر پوشی نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اس کی مخالفت میں ہم اپنے بچوں کو جس طرح کا اسلامی لباس ہوتا ہے اس طرح کے اسلامی لباس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ تو مجھے امید ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے، اگر اپنی قبر کو باندھ لیں گے، اس لیے کہ اسکول اور کالج والے اور یونیورسٹی والے ان کے جو اسکول اور کالج چلتے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے چلتے ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اگر ہمیں تعلیم کو بھی دیکھنا ہوگا، اگر وہاں پر تعلیم اسلام کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہوگی، اگر پردے کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں پردہ کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اگر تم ہماری مخالفت کرو گے تو ہم ڈٹ کر کے تمہارا سامنا کریں گے، اور ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی فرما برداری نہیں کریں گے۔ لیکن آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ کفار کا کام ہے آپ کی مخالفت کرنا، اور یہ پردہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، فرض ہے حکمن، اور یہ پردہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی فضیلت بتاؤں تو کئی دن لگ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے رب کا کلام سنایا، اور وہ فرشتہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ابھی بھی موجود ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے اپنے دوپٹے کو ہٹا دیا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا فرشتہ وہ ابھی بھی موجود ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ ابھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت خاتون جنت کی والدہ ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی نانی ہیں، وہ جانتی تھی، انہوں نے کتب سابقہ میں پڑھا تھا کہ فرشتے اگر کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اس عورت کے بے پردہ ہونے کی وجہ سے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے مان لیا کہ واقعی میں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آتا تھا۔ اور حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق کو تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا گیا، اور منجنیق اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں ایک رسی باندھی جاتی ہے، رسی کو کھینچا جاتا ہے، جیسے ہی رسی کھینچتی ہے اور جو چیز آگے ہوتی ہے وہ آگے کی طرف سرک جاتی ہے۔ حضرات محترم تمام کے تمام لوگ اس رسی کو کھینچ رہے تھے لیکن رسی
रस्सी नहीं खींचती है। हजरत मोहतरम, ये लोग परेशान थे कि आखिर रस्सी क्यों नहीं खींच रही है। इसकी वजह यह थी कि एक तरफ से नमरूद के लोग उस रस्सी को खींच रहे थे और दूसरी तरफ से अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उस रस्सी को खींच रहे थे, तो ये लोग उस रस्सी को खींच नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि एक शख्स आता है और आकर के कहता है कि एक बेपर्दा औरत को लाया जाए। चुनांचे बेपर्दा औरत को लाया जाता है। जब बेपर्दा औरत लाई जाती है, उस रस्सी को खींचा जाता है, रस्सी खींच जाती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुँच जाते हैं। इस वाक़े से बताना ये चाहता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं कि जिनके साथ में हमेशा फरिश्ते रहते हैं, लेकिन अगर उनके सामने कोई औरत बेपर्दा आती है तो फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। आज मुसलमानों बताओ, तुम्हारे घरों के अंदर बरकत कैसे आ सकती है कि जब तुम्हारे घरों के अंदर बेपर्दा औरतें रहती हैं और तुम्हारे चौराहों पर बेपर्दा औरतें घूमती हैं। इसलिए आज अहद करना होगा, अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर कहीं पर ऐसा माहौल बन जाए कि या तो अपने बच्चे को पढ़ाओ या फिर उसको पर्दे में रखो, तो आपके पास में दो चॉइस है, या तो आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर अपने बच्चे को पर्दे के अंदर रखेंगे। तो मैं आपको जवाब देता हूं, फुकहा फरमाते हैं कि ऐसी तालीम या ऐसी जगह जाना कि जहां पर बेपर्दगी हो वहां पर जाना हराम है। अगर कहीं पर बेपर्दा औरतों को बुलाया जाता है और वहां पर मजबूर किया जाता है, बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी जगह पर अपनी बच्चियों को तालीम दिलाने के लिए भेजना हराम है, हराम है, हराम है। और ये याद रखिए, अगर आज आप नहीं जागे तो अभी तो ये पर्दे से शुरुआत है। हमको ऐसा लगता है कि अभी तो ये फला जगह पे यहाँ पे नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर ये भगवा आतंकवादी आकर के इस तरह का बवाल मचाएंगे। तो इसलिए मुसलमान को जागने की ज़रूरत है, और आपको कहीं जाने की, एहतजाज करने की या किसी को ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है। सब वही है, आपको करना ये है कि अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने किले को मजबूत करना है। अगर आपने अपने ईमान को मजबूत कर लिया, और इस तकरीर से ये असर जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर बुरका महंगा हो जाना चाहिए, ताकि ये एहसास और मालूम हो कि हमने नकाब की मुखालिफत की तो मुसलमान जाग गया है। और जो मुसलमान अपनी बच्चियों को, अपनी बहू बेटियों को पर्दे में नहीं रखता था, वो भी पर्दे में रखने लगा है। और इन लोगों को जब ये एहसास होगा और ये मैसेज जाएगा, तो ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब मुसलमान इस्लाम के एक हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता है, तो अपने नबी की शान में गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको याद से समझना होगा, अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो बुरी लगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे पास इस्लाम है तो हमारी मस्जिद कायम है, इस्लाम है तो हमारी नमाज है। और अगर इस्लाम की मुखालिफत करेंगे और हम इनके आगे झुक जाएंगे, तो याद रखना हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के सामने हाजिर होना है। वहाँ क्या जवाब देंगे? और मुसलमानों की तादाद कोई माना नहीं रखती, मुसलमान 1 लाख हों या 10 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस्लाम है, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अरे मैं कहता हूँ, इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कभी ख़तरे में नहीं हो सकता। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर के आए और ये कयामत तक इसी तरह से चलता रहेगा। अगर कोई इंसान इस इस्लाम पर अमल नहीं करता है तो वह उसकी कमज़ोरी है, लेकिन इस्लाम कभी ना मिटने वाला मज़हब है। अगर सारे के सारे मुसलमान एक बार में मुर्तद भी हो जाए, तो परवरदिगार आलम ने इस चीज़ का ज़िम्मा लिया है कि कयामत तक वो कुरान मुकद्दस की हिफाजत फरमाएगा। तो जब कुरान मुकद्दस की हिफाजत होगी, तो कुरान मुकद्दस में इस्लाम है, इस्लाम कयामत तक चलता रहेगा। यही वजह है, तारीख ने देखा है कि बहुत सारे मुल्कों से इस्लाम को मिटाया गया, एक एक मुसलमान को चुन चुर कर मारा गया, लेकिन परवरदिगार आलम ने उन्हें कुफारों मुशरिकीन में से कुछ लोगों को हिदायत दी और वो लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गए। तो इस्लाम कभी ना मिटने वाला मजहब है, हमें बचाना है तो अपने आप को बचाना है। अगर हम इस्लाम के हिमायत में आएंगे, हम इस्लाम के झंडे के नीचे आएंगे, तो हमारी जिंदगी भी महफूज है, हमारा ईमान भी महफूज है। और अगर आप इस्लाम से रूगर्दानी करेंगे, तो आप याद रखना, बहुत सारे लोग जो है मुनाफिकत फैलाते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि सबको एक होकर रहना चाहिए, एक होकर के रहो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने मजहब पर कायम रह करके।
अगर किसी ने भी अपने मजहब को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ दोस्ती की है तो आप तारीख उठा करके देख लीजिए उस इंसान को ना तो फिर मुसलमान सपोर्ट करते हैं और काफिर उसको मुसलमान ही समझकर उसी को मारते हैं। तो आपको ये समझना होगा, और वक्त कम था इसलिए मैंने इख्तिसार में बताया, पर्दे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, पर्दे पर ज़्यादा तवज्जो देना है, हर इंसान को पर्दे का अहतमाम करना है, और डरना नहीं है, झुकना नहीं है। झुकने का मतलब ये नहीं आता है कि सर झुका देना, यानी अपनी किसी बात को अगर काफिर मनवाना चाहे उस बात को मान लेना, उसी को झुकना कहते हैं। और हम कहते हैं कि मर्द हक बातिल के आगे, मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। करबला में कुल 72 लोग थे लेकिन इतनों पर भारी पड़ गए, और बद्र के मैदान में 313 थे, तमाम कुफार और मुशरिकीन पर भारी पड़ गए। तो गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफिर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। परवरदिगार आलम हम